हमारे साथ हैं कालांवाली के विधायक सरदार बलकौर सिंह जी, जिनकी इन दिनों बड़ी चर्चा है। पिछले दिनों जेजेपी के जो साथी हैं वो इनके साथ गए, इनके पास गए और उन्होंने घोषणा कर दी ये जेजेपी में शामिल हैं। बाद में सरदार बलकौर सिंह जी ने यह स्पष्ट किया कि वो अकाली दल में हैं और अकाली दल में रहेंगे। आजकल इनकी चर्चा है सिरसा संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने की, तो हम जानेंगे उनसे इन सभी प्रश्नों पर, अकाली दल की राजनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ या जेजेपी के साथ किसके साथ जा रहे हैं। सरदार बलकौर सिंह जी, आप पिछले दिनों जेजेपी को लेकर एक विवाद हुआ, बाद में आपने स्पष्ट किया भी आप जेजेपी में नहीं हैं, वास्तव में ये क्या था? सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। जो जेजेपी का बड़ा प्रकरण था वो कोई जेजेपी में जाने वाला नहीं था। मैं श्रोमणी अकाली दल का हूँ, श्रोमणी अकाली दल का विधायक हूँ। श्रोमणी अकाली दल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा है और उनका एक बढ़िया अलायंस था, परंतु एसवाईएल मुद्दे पर इन्होंने ये अलायंस तोड़ा है। तो किसी न किसी तरफ से ये जरूर रहता है कि चौटाला परिवार बाद में परिवार एक है, इसलिए अजय सिंह जी मेरे घर पर गए थे, चाय पीने का प्रोग्राम था और जो झंडे वाली बात थी वो एक ऐसी चली है, ना कि मैंने कोई जेजेपी ज्वाइन की है। मैं दूसरे दिन ही ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं श्रोमणी अकाली दल के साथ हूँ, श्रोमणी अकाली दल का विधायक हूँ और श्रोमणी अकाली दल में ही रहूँगा। बलकौर सिंह जी, आप परिवार के साथ रहे, आपने चुनाव एकजुटता से लड़ा, अब जींद उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे क्या लगता है? अभी ये नुकसान परिवार को नुकसान है, इनेलो को नुकसान है, जेजेपी को नुकसान है, तो आपका क्या मानना है इस जींद उपचुनाव के परिणाम के बाद इनेलो की क्या स्थिति है? भाटिया जी, देखो ये कोई एक राजघराना परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, कहीं ना कहीं ये टूटने का दर्द कुछ सभी को होता है, टूटना नहीं चाहिए था, टूटने से बहुत नुकसान वर्कर्स को हुआ है, लोगों को हुआ है जो पार्टी के साथ बहुत देर से पीढ़ियों से जुड़े हैं, उनको नुकसान हुआ है, तो परिवार को तो होना ही है। ये नतीजा जींद में लोगों को देखने को मिला कि ये परिवार टूटा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और परिवार को इकट्ठा लड़ना चाहिए था तो बहुत बड़ा उनको फायदा होना था। नहीं, अभी कोई संभावनाएं, कोई किसी तरह की इनके परिवार की एकजुटता की कोई संभावनाएं, कोई वर्कर भी मिलते होंगे आपसे, कोई है क्या इनकी संभावना? वर्करों के मनों में तो जरूर है, ये एक हो जाए तो सभी लोगों का, सभी वर्कर का, सभी हरियाणा वासियों का फायदा हो सकता है। और अभी कोई मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं है भी कोई इनकी बात इकट्ठे होने वाली हो, तो जो कोई चलाने वाला है, कोई चलती हो तो इनको मैं जरूर मैसेज दूंगा कि ये करना चाहिए, होना चाहिए था। तो आपका इनके शुभ चिंतक होने के नाते आपका ये संदेश है भी इनको एकजुट होना चाहिए, वो होगा या नहीं होगा वो परिवार ही निर्णय करेगा। एक बात पिछले कुछ समय से चल रही है भी, आप संसदीय सीट पर अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्या आपके मन में भी है चुनाव लड़ने की बात? भाटिया जी, मैंने 1996 में श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन किया है, जब हमारी रोड़ी हलका जनरल हलका था, चौटाला साहब इलेक्शन लड़ते थे और डबवाड़ी रिजर्व था, मैं उस समय से पार्टी में सेवा कर रहा हूँ। पार्टी को जहाँ ठीक लगता है, जैसे ठीक लगता है, मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी जो जहाँ कहेगी, जहाँ कालावाड़ी में इलेक्शन लड़ना है, संसदीय क्षेत्र से इलेक्शन लड़ना है, किस पार्टी से करना है, जो पार्टी का फैसला है, जो पार्टी फैसला करेगी मैं उसको मानूंगा। एक चीज जो आपने स्वयं कह दी, एसवाईएल, क्योंकि आप हरियाणा की राजनीति करते हैं, अकाली पंजाब में राजनीति करते हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी वहां भी है यहां भी है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी है हरियाणा भी है, राष्ट्रीय दलों की भी नीति अलग अलग है, आप क्या चाहते हैं? एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था क्योंकि आप अकाली दल के यहाँ से विधायक हैं,
और ये आपके लिए शायद एक प्रश्न भी होगा, किसान भी लोग ग्रामीण भी पूछते होंगे, जैसा कि अकाली दल ने अब डी नोटिफाई कर दिया और नहर का जो जगह थी वो लोगों को वापस कर दी, क्या है ये वास्तव में, इससे क्या हल हो सकता है एसवाईएल का? देखो, पानियों का जो मसला है वो सारे देश में है और हम तो हरियाणा में रहते हैं, पंजाब और हरियाणा का जो मसला है पानी का, इसमें हम स्पष्ट हैं हरियाणावासी, क्योंकि मैं इलेक्शन हरियाणा से लड़ा हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा के लोगों की मेरी हमदर्दी है, सहानुभूति है। जो भी ये एसवाईएल का नहीं है, जो भी मसला हरियाणा के वासियों का होगा, हरियाणा के लोगों का होगा, मेरे हल्के के लोगों का होगा, मैं सबसे पहले उनको तरजीह दूंगा, उनको पहल दूंगा। जो भी मसला होगा मेरे लिए पार्टी से पहले ये लोग हैं जो मेरे को जिताते हैं, जिनके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। और एसवाईएल देखो, ये सेंटर को इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सलूशन निकालना चाहिए कि दोनों प्रदेशों के लिए बहुत लाभ देखो। नहीं, आपकी बात ये पूर्ण रूप से ठीक है भी केंद्र सरकार को, क्योंकि जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी हरियाणा में बोली और होती है और पंजाब में और होती है। तो आपने स्पष्ट रूप से ये कहा, क्योंकि आप हरियाणा वासी हैं, आपकी जो है राजनीति हरियाणा में है और आप चाहते हैं हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। आज जो अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मैं क्या सिरसा के भावी सांसद के साथ बैठा हूँ? मुझे ये लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल में अगर समझौता होता है तो उसके उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आपके मन में क्या है, मन की बात पार्टी से ऊपर उठकर? भाटिया जी, आप बहुत बढ़िया पत्रकार हो, मेरे मित्र हो, आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कोई ऐसी बात चलती हो, सबसे पहले मेरे को लगता है कि सबसे पहले जो पता चलेगा वो आपको ही चलेगा। तो मैं आपके रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को आप बताना कि आगे क्या होने वाला है, मेरे तो आपकी तो आपसे ही रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, आज इतना ही। हो सकता है राजनीति का ऊंट किस करवट बैठे, सरदार बलकौर सिंह जी आज हमारे साथ कालांवाली के विधायक के रूप में पहली बार यहाँ आए हमारे कार्यालय में, स्टूडियो में, और हो सकता है अगली बार ये सिरसा के सांसद के रूप में आए। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ, आज इतना ही। नमस्कार।